देखो मेरा सिग्नल कैसे आप लोगों ने पिकअप करना है, जो मैं आप लोगों को सिग्नल देता हूँ कि एफ बाई करना है, एफ शॉर्ट करना है, कैसे आप लोगों ने फॉलो करना होता है, ठीक है। तो क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट है कि किसी को नहीं पता कि ये मार्केट कब जाएगी, कहाँ जाएगी। सबसे पहले आपने अपने पैसे को क्या करना है, महफूज करना है। जब आप लोगों के अपने पैसे महफूज हो जाएंगे साइकोलॉजिकली, तो बाकी जो है ना एक चीज़ आपके पास बचता है, वो है प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने जो है ना अपने पैसे को महफूज रखना है। बाकी देखो हमेशा एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। कोई भी आप ट्रेड लगाओ ना, तो पहले जो है ना अपना स्टॉप लॉस मेजर करें कि आपका कितना स्टॉप लॉस बन रहा है। तो स्टॉप लॉस को आप प्रिवेंट कर रहे हो ना, आप प्रॉफिट में जाएगा तो स्टॉप लॉस को नीचे लेके आओ, ठीक है। ताकि तुम लोगों की जो अपनी पैसे वो तो सेफ हो जाए ना, लेकिन इस स्टॉप लॉस को जो है ना आपने एक स्पेसिफिक वे के साथ जो है ना उसको लेके आना है। ऐसा ना हो कि मतलब आप $2 के प्रॉफिट में चले जाए और आप स्टॉप लॉस लेके आए, तो फिर तो वो हिट हो जाएगा ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने ये करना होता है कि स्टॉप लॉस जब आप लोग लगाते हो ना और टिक प्रॉफिट लगाते हो, तो वेट करना होता है तकरीबन 15 से 20% फर्स्ट टिक हिट होने के बाद जो है ना आप लोगों ने स्टॉप लॉस को जो है ना नीचे लेके आना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ कि मैंने व्हाट्सएप पे एक सिग्नल दिया था, ठीक है। यहाँ पे व्हाट्सएप पर मैं चलता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे XRP है, ठीक है। तो XRP जो है ना अभी यहाँ पे हमें 4 माह में अगर मैं देखूँ, या मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सिग्नल दिया है, ठीक है, उससे आपको क्लियर समझ आ जाएगी, ठीक है। देखो आराम आराम से सीखे ना, ये चीज़ सीखने की है, सीखने के बगैर जब आप लोग इस पर इंटर होंगे ना, तो ये समझो आप जो है ना सिर्फ सिर्फ लॉस करेंगे। लॉस के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो जो है ना वो ऐसा मार्केट है कि जो भी सवाल चलता है, ठीक है। और इंसान के अंदर जो है ना एक साइकोलॉजी जनरेट होती है कि मैं मतलब हर वक्त जो है ना पैसे कमाऊँ, ठीक है। लेकिन हर वक्त पैसे नहीं कमाए होते, और ऐसा भी नहीं होता कि आप जो है ना मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ मतलब नहीं पॉसिबिलिटी उसमें, तो मार्केट खुद जो है ना आपको मौका देता है कि अभी जो है ना आपने मुझसे पैसे लेने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिग्नल ग्रुप में जाना चाहता हूँ ना, तो यहाँ पर मैंने सिग्नल दिया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैंने दिया, यहाँ पर मैं देखता हूँ, ठीक है। तो लडो, ठीक है। तो लडो लडो थोड़ा नीचे आ जाए तो लॉन्ग बनेगा, ग्रीन कैंडल के बाद वेट कर लो थोड़ा सा, 2600 तक जा सकते हैं, दिस इज़ वी का इंशाल्लाह। यहाँ पर मैंने देखिए उनफी अगर 4.78 क्रैक करे तो 4.83 तक जा सकते हैं। अब ये इसको कैसे फॉलो करना है, आपने आपने जाना है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे XRP यूनी में जाना है उनफी, ठीक है। उनफी के बाद जब आप चले जाएंगे ना, तो यहाँ पे सिग्नल का भी बंदा यार है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है सप्लाई जोन, ये हमारे पास क्या है सपोर्ट, और ये हमारे पास माइनर सपोर्ट। तो यहाँ पे जो है ना ब्रेक हो जाए, मार्केट एक रिले शो करेगी, रिटेस हो जाए थोड़ा सा, तब आपने एंट्री लेनी होती है। और फर्स्ट टिपी जो है ना आपका ये, और सेकेंड टिपी आपका ये, ठीक। अगर ये वाला ब्रेक हो गया ये वाला एरिया, तो इसके लिए वेट करेंगे। ये वाला ब्रेक हो गया तो नीचे, फर्स्ट टिपी ये, सेकेंड टिपी ये, ठीक। इसी तरह आपने वेट करना होता है, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने बड़ा टाइम फ्रेम पे किया है, उसको मैंने शार्प स्मार्ट टाइम फ्रेम पे किया था। या मैं अगर इसको एनालाइज करूँ, तो यहाँ से जो है ना उनफी हमारा सब रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, ठीक है। तो डिमांड जो नीचे बन रहा है, ठीक है। मैं इसको ऐसे करूँ सप्लाई जोन, तो मैंने उस चीज में जो है ना 30 मिनट के अंदर दिया था, तो 30 मिनट में चलते। तो हमारे पास देखिए अभी एक बार इंजेक्शन, दूसरी बार इंजेक्शन। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं सपोर्ट ड्रा करूँ, तो ये कीमत बनती है तकरीबन 4.98 देखे। और मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, 4.98 ब्रेक करे तो 4.98 तक आ सकते हैं। तो अगर ये ब्रेक हो गया तो फर्स्ट टी बी ये, सेकेंड टी बी ये, थर्ड टी बी ये, और फोर्थ टी बी ये, स्केल्पिंग ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड के बाद में कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप हर टाइम फ्रेम पर कर सकते हो, लेकिन टी बी आपने भी जो है ना हर सपोर्ट पर बुक करना होता है। लेकिन अगर आप शार्ट पे हो, या मैं दूसरी सिग्नल की एग्जाम्पल ले रही, यहाँ पे अगर मैं देखूँ लड्डू लड्डू थोड़ा नीचे आ जाए तो लॉन्ग बनेगा। कैसे बनेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लड्डू को एनालाइज़ किया, तो मुझे नहीं पता कि ये कब होगा। जब हो जाए ना आपने खुद उसको देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखे लड्डू को देखे, डेमो ट्रेड मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखे 4 आवर, तो 4 आवर में जो है ना हमारे पास इसको अगर एनालाइज करें, या फिर जो है ना सपोर्ट डिमांड जोन, ठीक है, ऊपर से जो है ना सप्लाई जोन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको दोबारा एनालाइज करूँ, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये डिमांड जोन है, ठीक है।
लेकिन लड्डू जो है ना 4 आवर ट्रैक ब्रेक पर जो है ना नीचे आ रहा है, ठीक है। पहले से रेजिस्टेंस या सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ से शायद इसको टच करें, और मैंने यहाँ पे क्या बताया कि 70 तक जा सकता है। तो 70 पे अगर ये ब्रेक ना हुआ रेलवे के अंदर और रिजेक्शन मिली तब शॉट लेना है स्टॉप लॉस ये वाला एरिया टी वी पेरा हिस्सा हिस्सा बुक करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये आप मिनिमाइज करो 4 आवर पर 1 आवर पर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक साइड वे चल रही थी, ठीक है। अभी इसने क्या किया है ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अभी ऊपर गया है, होना तो ये जो है कि सीधा ऊपर, लेकिन वॉल्यूम कम है तो हमने वेट करना है ये थोड़ा सा जो है ना रिटेस्ट हो जाए। यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बन जाए तो ये नेक्स्ट टारगेट ही है। अगर ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बना मतलब ग्रीन कैंडल ना हो, ठीक है, वॉल्यूम को भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ना आपने फिर थोड़ा सा वेट करना है रेड कैंडल का, तो फिर यहाँ से शॉर्ट बनेगा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये दोबारा रेंज में भी आएगा। तो इसी तरह सीखना है फिर, तो सिग्नल हर कोई ऐसा नहीं बना सकता कि सिग्नल जो है ना आपने मतलब मुझे पता है कि मार्केट इस तरफ जाएगी, मार्केट कन्फर्मेशन के बाद जो है ना पता चलता है, ठीक है। या मैं दूसरा सिग्नल जो है ना मुझे यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ये देखिए ऊप का, ठीक है। तो ऊप का देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं ऊप को एनालाइज करता हूँ, ऊप USDT, ठीक है। तो जब ऊप को हम एनालाइज करते हैं ना, यहाँ पे देखें पैटर्न बना है डबल टॉप, लेकिन अभी ब्रेक डाउन ब्रेकअप नहीं हुआ है ना, तो जब ब्रेक अप हो जाए रिटेस्ट हो जाए तब आप ले लें एंट्री ले लें। ये सेटअप को आपने अपने मोबाइल में जो है ना देखना होता है, लेकिन अगर ये रिजेक्ट हुआ मतलब इस एरिया से फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर स्मार्ट टाइम फ्रेम में देखूँ 4 आवर की कैंडल यहाँ पर होनी चाहिए तब हम एंट्री लेंगे ना। देखो 2 बार रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर अभी ऐसा हुआ ना कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो है ना नीचे इस लाइन को ब्रेक कर दें और RSI जो है ना 60 के नीचे आ जाए, तो ये कन्फर्म मतलब ये इसको ब्रेक नहीं कर सकता, तो शॉट यहाँ से लेंगे, फर्स्ट टीपी यहाँ पर बुक करेंगे, सेकंड टीपी यहाँ, थर्ड टीपी यहाँ, स्टॉप लॉस हमारा ये। तो इस चीज़ को आपने देखना होता है ना कि हमारे पास क्या हो रहा है असल में। ऐसे सिग्नल नहीं होता कि बस शॉर्ट करो लॉन्ग करो, देखना होता है, एक सेटअप बनाना होता है और उसके बाद जो है ना ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर हमें करना होता है, ठीक है। तो ये जनरल साइकोलॉजिकल और सिग्नल मेकिंग का टॉपिक था जो मैंने आप लोगों के साथ